देर तक बैठे रहने या फिर बैठे बैठे देर तक कोई काम करते रहने से अक्सर हमारी पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन मंद पड़ जाता है, जिसके चलते पेट में एक भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि पाचन तंत्र को ढंग से काम करते रहने के लिए शारीरिक गतिविधियों का अहम योगदान होता है। इसलिए जब हम निष्क्रिय होकर देर तक बैठे रहते हैं, उसका असर हमारी पाचन क्रिया पर जरूर पड़ता है। आजकल के दौर में वर्क फ्रॉम होम के बढ़ते चलन के कारण लोगों को यह दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। उस पर जब कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो कि पचाने में काफी समय लेती है, तो पेट से जुड़ी समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर देर तक बैठे रहते हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उन चीजों का सेवन करें जो भरपूर पोषण दें और आसानी से पच जाए, ताकि हमारा पेट या फिर पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जिनके सेवन से आपका पेट भारी बिल्कुल नहीं रहेगा। ओट्स और दलिये का करें सेवन। ओट्स और दलिये में कई दूसरे पोषक तत्वों के अलावा फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हमारी पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार साबित होते हैं। इससे आपको अपच या फिर गैस की समस्या नहीं होगी। देर तक बैठकर काम करने की स्थिति में अगर आप ओट्स या दलिया कुछ भी खाते हैं, तो इससे बेहतर विकल्प आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। खाएं पपीता। पपीते में विटामिन ए, बी और सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह आसानी से पच जाता है और हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है। साथ ही पपीता हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर हमें डिटॉक्स भी करता है। हमारे मस्तिष्क और आँखों के लिए पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके सेवन से हमारा पेट भी साफ रहता है। इसलिए देर तक बैठे रहने की स्थिति में पपीते का सेवन करना काफी ठीक रहता है। खाएं दही। दही भी हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती है। इसके सेवन से हमें पाचन तंत्र संबंधी दिक्कतें नहीं आती। दही का इस्तेमाल स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से सही होता है। हालांकि अगर आप कफ की दिक्कत से गुजर रहे हैं, तो दही का सेवन सिर्फ और सिर्फ दोपहर के समय ही करें। इसकी आप स्मूदी बनाकर भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो दही में चिया और सूरजमुखी या फिर फ्लैक्स के बीज भी मिलाकर खा सकते हैं। चुकंदर का करें इस्तेमाल। चुकंदर लाइकोपीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन और पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। चुकंदर का नियमित सेवन करने से हम तमाम बीमारियों से तो बचे रहते ही हैं, साथ ही हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। इसलिए देर तक बैठे रहते हुए काम करने की स्थिति में चुकंदर का सेवन जरूर करना चाहिए। स्प्राउट्स का करें सेवन। स्प्राउट्स कैलोरी तो देते ही हैं, साथ ही इनमें प्रोटीन, विटामिन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र सही बना रहता है और हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी बरकरार रहता है। खाएं सेब। सेब सबसे पौष्टिक फलों में से एक है। इसमें कई सारे विटामिन और मिनरल्स के साथ ही फाइटो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हमें भरपूर पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ ही पाचन तंत्र को भी दुरुस्त बनाए रखता है। जानकार कहते हैं, रोजाना एक सेब खाने से हम तमाम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। साथ ही सेब के सेवन से हमारा मूड भी सही बना रहता है। इसके अलावा सेब हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि करता है। सेब को सीधे खाने के अलावा हम इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। किसी भी चीज को खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।